आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चारा घोटाला के आरोपी लालू यादव को आज दोपहर 12 बजे सुनाई जाएगी सजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापट्टनम में करेंगे नौसैनिक बेड़े की समीक्षा। नौसेना में जहाज और वायुसेना का दिखेगा जलवा। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमित हुई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना। जयशंकर की 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा शुरू। इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्थलीय मंच में लेंगे भाग। सीएम चन्नी पर भड़के कैप्टन, कहा वो मेरे कार्यों का क्रेडिट चुरा रहे, सिद्धू को बताया नकारा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो समय हो गया है यूपी की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, जहां बलरामपुर के पचपेड़वा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नड्डा ने कहा कि सपा आतंकवादियों का साथ देती है। आगे नड्डा ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश में अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ है, अब सिर्फ विकास की धाराएं बही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या आपके भी गृह क्षेत्र में इस तरह की कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तथ्य आधारित अपना जो बात कही तथ्यों पर आधारित है, जिसका रिकॉर्ड है, जिन्हें की जनता जी ने चुनावी भाषण दे दिया, बोल दिया। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बिना तथ्य के बोलना उनका वो नहीं है। उन्होंने ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं जिसमें उन लोगों ने मदद की है, जिसके लोग चर्चा करें। दिल्ली में कांड हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश में कई सी घटनाएँ, जिनको जिन आतंकवादियों को, आतंकवादी का कोई जात होता है, जो मुस्लिम धर्म से है, मुस्लिम समाज से है। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ क्षेत्र के छतहरी ग्राउंड पर भाजपा और उसके सहयोगी दल की पहली चुनावी जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्हें राष्ट्रद्रोहियों का साथ देने वाला बताते हुए उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया। खबर अमेठी से है, जहां एक युवक को भाजपा का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। सपा कार्यकर्ताओं ने युवक के घर पर लगा भाजपा का झंडा उतरवाकर मारपीट की और युवक से सपा को वोट देने के लिए दबाव भी बनाया। इस मारपीट में युवक के सर पर कई गंभीर चोटें आई, जबकि दबंग युवकों के खिलाफ पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराते हुए भाजपा विधायक मयंक केशवर शरण सिंह पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो वहीं भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह दबंग युवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब थाने में जा पहुंचे हैं। हमारा बीजेपी का झंडा उखाड़ने की धमकी दे रहे थे वो लोग, और मारने की भी धमकी दे रहे थे। कौन कौन था मारने में? अयान खान, रिहान खान और फैजान खान मारे भी थे। सर में हमारे चोट भी आई है। अच्छा। लोहे की राड से मारा हुआ। अच्छा जी, ये धमकी दे रहे थे कि वोट दो सपा में साइकिल को। अच्छा, साइकिल को वोट देने के लिए? नहीं तो रास्ते में मिलोगे तो मारेंगे, ये बोल रहे थे। बीजेपी का झंडा उखाड़ने की भी धमकी। हाँ, बबूरी कस्बा के सिरकुटिया मोहल्ले में अज्ञात कारणों से विवाहिता को चोट लग गई, जिसको परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवा दिया है। तो आपको बता दें कि चंदौली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी अब भिजवा दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये खबर चंदौली से सामने आई है, जहां पे अज्ञात कारणों से एक विवाहिता को चोट लग गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद चिकित्सकों ने आगे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवा दिया है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला चंदौली बबूरी कस्बे के सिरकुटिया मोहल्ले का है, जहां पे अज्ञात कारणों से एक विवाहिता को चोट लग गई,
जिसके बाद विवाहिता के ज्यादा घायल होने से परिजनों ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जिला अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान ही चिकित्सकों ने युवती को तत्काल देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले के बाद चिकित्सकों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मोर्चरी भिजवा दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कारण सामने नहीं आ पाया है कि आखिर विवाहिता को इतनी चोट कैसे लगी। यूपी में अब तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण का प्रचार भी शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए उच्च न्यायालय की अधिवक्ता दिव्या मिश्रा ने जनता से अपील करते हुए निष्पक्ष और बिना डर के वोट देने की अपील की है। आगे उन्होंने जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मतदान करना हमारा अधिकार ही कर्तव्य भी है, तो इस कर्तव्य को ध्यान रखते हुए मतदान का प्रयोग जरूर करें। अमेरिकी विशेषज्ञ ग्लेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि भारत में जाति के आधार पर वोट होता है, तो सबसे पहले इस मिथक को दूर करते हुए और बिना जात पात के आधार पर वोट अपने वोट का प्रयोग करें। हमारे आप सबके एक एक वोट से लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है, तो इस नींव को मजबूत करिए और अपने मत का प्रयोग करिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लोकतंत्र के सबसे श्रेष्ठ संस्कार में मतदान आता है, तो इस मतदान का जरूर प्रयोग करें। हमारे इस मतदान से हमें आपको अपना एक उचित प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है, तो हम आप क्यों ना अपना एक उचित प्रतिनिधि को चुनें और एक श्रेष्ठ भारत को और भी श्रेष्ठ बनाएं। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि 23 फरवरी 2022 के दिन अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करते हुए मतदान जरूर करें और एक भारत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की अब सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी लगातार लोगों से संपर्क करने में लगे हैं। तो आपको बता दें कि भाटापार रानी के सपा प्रत्याशी आशुतोष उपाध्याय इकलौते प्रत्याशी थे जो बीजेपी लहर में भाटापार रानी के विधायक बने थे, और इस बार के चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता से देवरिया जनपद के भाटापार रानी में जनता की राय जानी। देवरिया जनपद के विधानसभा भाट पर आने में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि यहाँ के विधायक आशुतोष उपाध्याय हैं जो बीजेपी लहर में भी सपा के विधायक रह चुके हैं, और आपको बता दें कि यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्या इनके आगे के मुद्दे रहेंगे। मैं अनिल सिंह तोमर, ग्राम प्रधान छपरा बुजुर्ग। मित्रों, भाट पर आपने फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय आशुतोष उपाध्याय जी विधायक बनने जा रहे हैं, और यहाँ से उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही भाटपार के विधायक। बीजेपी ने भी तो विकास किया है, देखिए कुछ नहीं, छलावा हुआ है, जनता से छलावा हुआ है। और माननीय आशुतोष उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इस बार किसकी सरकार बाबा? मैं अनिल यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष बनकटा। इस बार तो ये भाटपार विधानसभा माननीय कामेश्वर उपाध्याय जी स्वर्गीय, उनकी कर्म घूम रही है, और यहाँ की राजनीति स्वच्छ छवि, मजबूत चेहरा, गरीबों की लड़ाई, गरीबों की आवाज उठाने वाले ही नेता को हमेशा जनता वोट करती है। इस बार किसकी सरकार? आप यहाँ देखिए, सातों विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई, और हमारे भाटपारानी विधानसभा आशुतोष उपाध्याय विधायक जी जो 50,000 वोट से आशुतोष उपाध्याय यहाँ विकास किए हैं। देखिए तहसील, 5 विकास बताइए, तहसील बनवाए विधायक जी द्वारा बनवाया गया है, ITI कॉलेज बनवाया गया है भवानी छपर में विधायक जी द्वारा बनाया गया है, इसके बाद हॉस्पिटल बनवाया गया है, इसके बाद ब्लॉक का सुंदरीकरण हुआ है, जो मरम्मत हुआ है। लोग बता रहे हैं कि भाटपारानी विधानसभा में बबलू उपाध्याय बार फिर आने वाले हैं और जनता उनको काफी वोट देने की बात कर रही है। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया जनपद। खबर फरुखाबाद से है, जहां छुटपुट घटनाओं के बीच जनपद में सकुशल तरीके से तीसरे चरण का मतदान होने के बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली। इस दौरान अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री, नागरिक पुलिस समेत होमगार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था, जिसके कारण ही तीसरे चरण का मतदान जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से हो सका। देखिए, छिटपुट छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के टोटल शांतिपूर्ण हमारे यहाँ मतदान हुआ है, और कोई भी इस तरह की गंभीर समस्या नहीं आई है जिसको कि हम यहाँ उल्लेख कर सकें। इस तरह से हम लोगों का प्रयास ठीक रहा और मतदान सकुशल शांतिपूर्ण अभी समय 6 बजे तक संपन्न। कहीं झगड़ा फसाद की भी सूचना आई है?
हल्के फुल्के विवाद हुए थे, यहाँ पुलिस तत्काल पहुँच के इन विवादों का निस्तारण पुलिस ने कर दिया। खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर में सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा और सुशील सरोज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने की बात करने वालों को पहले और दूसरे चरण के मतदान ने ठंडा कर दिया, जबकि तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा के सभी नेता अब सुन्न पड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में कल तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, जिसके बाद सभी नेता चौथे चरण के प्रचार के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में सरोजनी नगर में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान ने भाजपा नेता को ठंडा कर दिया, जबकि तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा के सभी नेता अब सुन्न पड़ गए हैं। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज में अपना दल और भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतलाल वर्मा ने नुक्कड़ सभा और चौपाल के माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से जनसंपर्क किया और संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो बिना जाति पाति का भेदभाव किए विश्वनाथगंज सीट से चुनाव जीतने पर विकास कराएंगे। खबर संबल से है, जहां बनिया ठेर थाना के गांव मोहम्मदपुर बाबई में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में एक भाई ही दूसरे भाई का दुश्मन बन गया। इस दौरान दूसरे भाई और भतीजों ने अपने ही दूसरे भाई पर पथराव करते हुए जमकर गाली गलौज भी की, जिसके बाद पीड़ित भाई ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया और आगे कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह छत पे चढ़कर पथराव किया जा रहा है। इसी को देखते हुए पीड़ित भाई ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। बदायूं में दूसरे चरण में 16 तारीख को मतदान हुआ था। सहसवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डी के भारद्वाज ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बसपा प्रत्याशी उनके सहयोगियों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर हजारों की संख्या में फर्जी मतदान करवा रही थी। इस संबंध में भाजपा प्रत्याशी डीके भारद्वाज ने जिला निर्वाचन अधिकारी बदायूं को ज्ञापन सौंपा और जांच करके कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम सिरतौर में फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए दो अभियुक्तों को लैपटॉप और प्रिंटर के साथ गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है। 113 विधानसभा सहसवान में 14 तारीख को सुबह जब मतदान हो रहा था, सूचना मिली कि इस्लाम नगर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का भाई और उसके सहयोगी वहां पर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। लिस्टें उनके पास थी, उनके पास पूरा उपकरण था, पूरा उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत फर्जी आधार कार्ड बनवाए और बनवाने के बाद उस पर वोटिंग करवा रहे थे। इसकी जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इस पर दबिश डाली, कुछ लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए। 18 तारीख को कल सिरतौल में भी एक उपकरण मिले हैं, जिससे फर्जी आधार कार्ड लेमिनेशन का बनाने की मशीन मिली, उसको भी कल बिलसी पुलिस ने पकड़ा है। उनके खिलाफ मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसकी शिकायत कर दी है और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी शिकायत की गई है। इसी थाना बिलसी में ग्राम सरतौल की एक सूचना ये पुलिस को प्राप्त हुई थी कि वहां पर दो व्यक्ति एक दुकान पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा अपनी टीम लगाई गई, जिसमें SHO बिलसी और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के द्वारा वहां घेराबंदी करके इन दो लोगों को पकड़ा गया मौके से, और इनके पास एक लैपटॉप और प्रिंटर और इसके साथ साथ ग्लास पेपर और 11 अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं।
और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लगभग 100 से 150 की संख्या में अब तक इस तरह के आधार कार्ड बना करके और लोगों को दिए गए हैं। जिन लोगों को दिए गए हैं उनकी सूचना इनसे एकत्रित की जा रही है और इसमें जो भी आगे विवेचना के मध्य जो भी दोषी मिलते जाएंगे उनके खिलाफ आगे पुलिस कार्रवाई करती जाएगी। अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी लैपटॉप बरामद हुआ है इसको डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए FSL भेजेंगे और वहां से जो भी हमको जानकारियां मिलेंगी उसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।